चलो भाई आ जाओ क्या हाल है सभी के गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग क्या हाल है सभी के जल्दी से आ जाइए सभी लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है अनएकेडमी और एम डी क्लासेस है ना एम डी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ क्या वॉइस में कोई दिक्कत कोई इशू नहीं सब कुछ सही चल रहा है सब कुछ जल्द अच्छा चल रहा है गुड इवनिंग कीर्ति गुड इवनिंग नजला गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुरु गुड इवनिंग मिस्टर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो कल कोई दिक्कत नहीं है कल मैं क्लास नहीं आता कर पाया कोई दिक्कत नहीं है तो भाई आज क्या है है अब मैं आप आप सभी सभी के के लिए शाम को बजे ये नाइट टेस्ट टेस्ट से 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 मतलब रात में आप सभी के अपने खुद खुद का रिवीजन करने से पहले, खुद की देखने से पहले कि रिवीजन करने पहले पहले की चीजें देखने फिर हमसे स्टार्ट और एक बार आप लोग बहुत अच्छा सब कुछ बहुत जबरदस्त है तो आप लोग एक बार इसको शेयर भी मारो सबके सब बच्चे जितने हैं सबके सब शेयर सब मारो और शेयर मारने के साथ साथ इस वीडियो को करेंगे शुरुआत हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज हम यहाँ पे करेंगे 50 क्वेश्चन और आपको इस 50 क्वेश्चन में आपको ये ट्राई करना है कि किसी भी तरीके से कम से कम 35 यहाँ पे आप सही कर पाओ ये आपको मिनिमम ट्राई करना है और जो आपके लिए डे वाला काम चल रहा था ना कि डे वन डे टू ये उसी के आगे का पार्ट है मतलब ये यह हम यहाँ पे डे सिक्स कह सकते हैं क्योंकि मैंने सोचा अगर मानो किसी किसी दिन ज़्यादा वीडियो में आपको दे दूंगा फिर डे कैसे गिनूंगा है ना तो मैं आपको इसीलिए पार्ट वाइज करके देने लगा हूँ और ये पार्ट सिक्स हो गई रीजनिंग की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है अपलोड हो रही है अपलोड हो जाएगी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा इसी वजह से हम उसको बार बार अपलोड और रीअपलोड कर रहे हैं जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बेलैकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा और आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए महा प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी आ चुका है जिस पे आपको डेली बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिल रही है और हम यहाँ पे स्टैटिक के भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत ना टीसीएस का बिल्कुल हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन के टीसीएस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे और जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे बिना किसी परेशानी बिना किसी इशू का तो भाई क्या कहते हो सब के सब जरा एक बार शेयर कर दो जितना बच्चा है जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जहां भी ऐड हो जहां, जहां भी आप ऐड हो कहीं भी ऐड हो एक बार सब के सब खाली शेयर कर दीजिए और शेयर करने के साथ आर यू रेडी या नहीं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट कर दो और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो जाऊंगा साइड और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में दिखेगा कि क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है वो सब कुछ आपको वही दिखेगा कमेंट वन सब के सब कमेंट कर दीजिए और ये जो पी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप उपे ऑलरेडी मिल जाएगी और सारी की सारी पी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो भैया अब सेशन को करते हैं स्टार्ट लेकिन जब तक शेयर नहीं होगा भाई पचास बच्चे तो दिखने चाहिए डेली डेढ़ सौ दो सौ सौ बच्चे यहां आने चाहिए सात बजे की डेली लाइव टेस्ट है डेली जबरदस्त सीरीज यहाँ पे चला रहा हो डेली बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पक्का शेयर हो गया क्या, क्या सभी का अरे हाँ या ना क्या सभी का शेयर हुआ स्टार्ट किया जाए इस बार बिल्कुल एन को धुआं धुआं कर देंगे तो चलो भाई आप सभी के स्किन के ऊपर आधा है पहला क्वेश्चन मैं साइड हो जाऊंगा एक क्वेश्चन के लिए पांच सेकंड देंगे खुद का अपने आप से टेस्ट करिएगा कि आपने पचास में से कितना सही किया कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हर बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करता रहेगा और लास्ट में मुझे सबके स्कोर चाहिए रेडी एवरी चलो भाई स्टार्ट करते मैं होता हूं साइड और आप सभी के लिए आप सभी के स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये रहा भारत का कृत्रिम बंदरगाह समय शुरू हो चुका है समय के हिसाब क्वेश्चन से आप सॉल्व करोगे समय के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग बहुत बढ़िया भारत का कृत्रिम बंदरगाह बहुत अच्छा है बहुत सिंपल है चलो भाई देखते हैं सही आंसर चेन्नई या फिर मद्रास बोलेंगे तो ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं क्या कहता है लेब्रॉन जेम्स किस खेल से संबंधित हैं अभी हाल ही का ये खबर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेब्रॉन जेम्स के बारे में समय शुरुआत हो चुका आपका ऑलरेडी बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही आंसर तो लेब्रॉन जेम्स जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है ऑप्शन नंबर आपका सी सी द राइट आंसर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा थर्ड पे आ जाते हैं अगर चुनाव समय से पहले संपन्न हो जाए तो क्या कहलाएगा स्नैप पोल उपचुनाव जन्म सर्वेक्षण या फिर एग्जिट पोल सबके सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए जितने बच्चे हैं सबके सब मुझे कमेंट सभी के दिखने चाहिए तो भाई ये क्या कहलाता है ये स्नैप पोल कहलाता है अगर समय से पहले आपने चुनाव खत्म कर दिया तो वो स्नैप पोल कहलाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ पे पढ़ते हैं तेरहवीं शताब्दी में राजस्थान का जो माउंट आबू है उसमें दिलवारा मंदिर बना था तो जो बहुत फेमस था किसने बनवाया महेंद्रपाल महीपाल राज्यपाल या फिर तेजपाल बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन भाई तो भाई याद रखिएगा सही आंसर है आपका तेजपाल यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ इसका क्वेश्चन तेजपाल ने बनवाया था ये फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं एक पुस्तक है बहुत फेमस नाम है स्टेट फ्रॉम द हार्ट ये किताब ये किताब किसने लिखी है कपिल देव मिल्खा सिंह सुनील गावस्कर पंकज आदवानी बहुत अच्छा निखिल बहुत अच्छा भाई सौमित्रा भगत नाजिया पूनम टमाटर बहुत बढ़िया तो ये किताब किसने लिखी है बहुत आसान सा क्वेश्चन था कपिल देव अब जितने भी स्पोर्ट्स मैन है जितने भी इन्होंने किताब लिखी है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छठे क्वेश्चन पे आ जाइए एशिया के किस हिस्से में कोरियाई प्रायद्वीप स्थित है उत्तर एशिया पूर्वी पश्चिम या फिर दक्षिण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त तो भाई कहां पर स्थित है सही आंसर याद रखिएगा पूर्वी एशिया यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कहां पर स्थित है पूर्वी एशिया बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण है सबसे ज्यादा वन कहां पर है मध्य प्रदेश उत्तराखंड असम या फिर उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा सही आंसर आप सभी को पता मध्य प्रदेश राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सबसे ज्यादा वन कहां पर है मध्य प्रदेश में है नेक्स्ट पे आ जाओ भाई शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया है कौन से देश के काम किए हैं अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन या फिर चाइना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं तो ये काम किसने किया है याद रखिएगा चाइना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है इन्होंने पहला दुनिया का एकल एक जो गुड़ एकल गुड़सूत्र खमीर बनाया है नेक्स्ट पे आते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा किसी भी भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट दूसरा प्रेसिडेंट होगा मुख्यमंत्री या राज्यपाल बहुत बढ़िया याद रखिएगा क्योंकि जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं तो जिले का सबसे बड़ा आदमी होगा यानी राज्य का राज्यपाल ही हो सकता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पे बिल्कुल सही होगा बिल्कुल राजीव खुशबू कीर्ति रोहित एवरी एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि होगी तो उसकी आवृत्ति क्या हो सकती है बीस से ऊपर बीस से कम बीस या फिर कोई नहीं क्या होगी अल्ट्रासोनिक नाम है इसी वजह से बीस हजार से ऊपर होगा अल्ट्रासोनिक आप सभी को पता अल्ट्रा मतलब कि ऊपर तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बीस हजार से ऊपर कौन सा जिला चार विभिन्न राज्यों को स्पर्श करता है सरगुजा सिंगरौली सासाराम या फिर सोनभद्र बिल्कुल सोनभद्र आपका यहां पे ऑप्शन नंबर जी ये बिल्कुल सही आंसर होगा सोनभद्र कहां ये भी पूछा जाएगा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आ जाते हैं बारावा जो इलेक्ट्रिक हीटर जो हम लोग गर्मी ठंडियों में पानी गर्म करते हैं ये किसका बना होता है जो इसका वायर होता है जो इसका तार होता है एल्यमियम टंगस्टन नाइक्रोम या फिर कोई नहीं बहुत अच्छा क्या हो जाएगा आप सभी को पता है नाइक्रोम इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इलेक्ट्रिक हीटर का तार इससे बना होता नाइक्रोम से नेक्स्ट पे आते आज का थर्टीन क्वेश्चन स्वदेश बांधव समिति बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन है प्राणनाथ पुलिन बिहारी सच्चिदानंद या फिर अश्वनी कुमार दत्ता बहुत बढ़िया याद रखिएगा इसके जो बांधो समिति जो सदेश बांधो समिति इसके संस्थापक की बात करेंगे तो इसमें अश्विनी कुमार दत्ता जी का नाम सबसे ऊपर आता है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट पे आते हैं फोर्टीन क्वेश्चन 1602 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया था किस सन की बात कर रहा है सोलह में कौन सा शेयर बाजार की बात कर रहा है ऑप्शन आपके सामने एम्स्टरडम स्टॉक होम डब्लिन या फिर आपका डेनमार्क बहुत अच्छा या देखेगा विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार के बारे में बात करेगा तो एमस्टर्डम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्टींथ क्वेश्चन तापमान बहुत कम है तो मापने के लिए कौन सा यंत्र होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है डायनोमोमीटर क्रायोमीटर क्रोमेटोमीटर या फिर सैनोमोमीटर बहुत बढ़िया अगर तापमान कम है तो क्रायोमीटर का यूज करते हैं अगर मैं यहीं पे पूछूं भाई अगर तापमान ज्यादा है तो किसका यूज करेंगे तो अगर तापमान ज्यादा होता है तो यूज करते हैं पायरोमीटर का अगर तापमान कम है तो क्या हो जाएगा क्रायोमीटर का हो जाएगा बिल्कुल निखिल गुरु जी शैलेश आकांक्षा पूनम ए एस के क्रेता रविंद्र प्रमोद नीलराज नाजिया कोमल कुमारी ऑल ऑफ यू बहुत बेहतरीन कर रहे हो बेटा आप सभी है ना अच्छा ये बताइए मुझे जरा सा पंद्रह क्वेश्चन में पहुंचे तो मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा सही है आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे अपने आप को आप पहचान पाओगे कितना क्वेश्चन आप एक्चुअली में सही कर रहे हो और आपको मजा भी आएगा ज़्यादा आपको एक मॉकटेस्ट के तरीके से लगेगा कि यार आप कितने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो है ना और आप जल्दी से एक से लेकर पचास तक की नंबरिंग लिख लिया करो और जल्दी से कॉपी पे टिक लगाया करो कि आप कौन से सही कर पा रहे हो कौन से नहीं कर पा रहे हो और बाद में जब मैं आपको पी डी एफ दूँ तो वहां से कंप्लीट आंसर्स कर लिया करो कि भाई इसका क्या आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा और इसका क्या आंसर होगा क्या इस बात के लिए सबके सब सेटिस्फाई हो पक्का है तो आपको एक कॉपी लेके बैठना एक से लेके पचास तक की नंबरिंग करके डेली शाम को सात बजे आ जाना और देखना आपके खुद के स्कोर क्या हो पा रहे हैं। और आप फिर उसके बाद अपने आपको पहचाना जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो कैसे कर पाएंगे ओके नेक्स्ट पे चलते हो मैं सामने चलता पीछे पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगा ऊपर टेलीग्राम का आपको लिंक दिखाई दे रहा है ऑलरेडी अच्छा एक काम करो पहले तो लाइक कर दो भाई सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए और शेयर करिए यहाँ पे 100 प्लस बच्चा होना चाहिए किसी भी तरीके से है ना यहाँ पे 100 प्लस बच्चा होना चाहिए किसी भी तरीके से चलो भाई स्टार्ट करते हैं आते हैं सोलहवें क्वेश्चन पे ंगली वेंकैया अभी इनका दो अगस्त को एक सौ इकतालीसवा जन्मदिन मनाया गया ये क्यों मनाया गया और ये कौन थे 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 इतना फेमस क्यों शुरुआत हो गया व्यक्ति का सत्र वंदे मातरम गाने वाले भारतीय ध्वज डिजाइनर थे या फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले थे चलो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे यानी ऑप्शन नंबर आपका सी पेंगली वेंकैया हर बच्चे को पता होना चाहिए था नेक्स्ट पे आ जाओ भाई जेम्स ए गोस्लिंग बहुत फेमस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने विकसित किया था कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जावा पी एच पी सी प्लस या फिर कौन सा या देखिएगा जेम्स ए गोस्लिंग है इन्होंने कौन प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज विकसित किया था ऑप्शन नंबर बी यानी जावा इज द द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जावा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं एक सुविह प्रभाव में तरल पदार्थ में एक बिंदु एक समान रहता है बल दबाव वेग या फिर गति बहुत बढ़िया भाई बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन जल्दी से शेयर करिए और सभी लोग आ जाइए तो क्या हो जाएगा यहां पे सही आंसर होगा वेलोसिटी मतलब एक अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो चलता रहता है तो उसमें क्या चीज विक्लोर रहेगा तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो सीधी सी बात है वेलोसिटी इक्वल रहेगा नेक्स्ट पे जाओ भाई यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलेगी तो उसके आ, स्पीड का कोई ना कोई प्रतिरोध करेगा वो प्रतिरोध क्या कहलाता है बहुत बढ़िया तो भैया वो प्रतिरोध बल कौन सा बल कहलाता है घर्षण बल कहलाता है यानी फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है जब दो भी चिकनी सतहों पे भी घर्षण बल जितना कम होगा चीजें उतनी फिसलेंगी और घर्षण बल जितना ज्यादा होगा चीजें उतनी अच्छी तरीके से चलेंगी नेक्स्ट पे आ जाओ भाई कहता है पेंटेन के संरचनात्मक समावई कितने होते हैं यानी कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं एक दो तीन चार किसके पेंटेन के

आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था चौथी सातवीं तीसरी या फिर छठी सही आंसर क्या हो जाएगा सातवीं यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई भारतीय संविधान को अपनाया गया था सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 1949 या फिर 1948 अपनाया कब गया था यह क्वेश्चन पूछा गया तो सी आंसर सही होगा अब पूरी तरीके से लागू कौन किया गया था तो यह आंसर होगा फिर ए ठीक है सिर्फ अपनाया की बात कहेगा तो सी सही आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों नेक्स्ट पे आ जाओ भाई सलेक्स नायक कमेटी बनी हुई थी आप सभी को पता है किस चीज से संबंधित है सो ऑप्शन शुरू आपके बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन बहुत तगड़ा यार अच्छा है तो नायक कमेटी के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो कोस्टल थे उनको इन्होंने लेके एक रूल बनाया था जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दी थी तो शैलेश नायक जो कमेटी था वो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट पे आते भाई किस पदार्थ को दुनिया का सबसे पतला सामग्री कहा गया भाई ये पदार्थ जो है वो दुनिया का सबसे पतला सामग्री है फुलेरिन सिलिकॉन प्लेटिनम या फिर ग्राफिन हाँ दुनिया का सबसे पतला कौन है तो ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राफिन जो है वो दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छब्बीस में पे आ जाओ अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों को लेके जाति और जनजाति को लेके सब कुछ समान है राजनीतिक आर्थिक हर चीज समान है आर्टिकल कौन सी है बीस सत्रह उन्नीस अट्ठारह बहुत बढ़िया आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा क्यों क्योंकि आर्टिकल सत्रह जो है वो कहता है छुआछूत को लेके और इसमें यही चीज कहा गई कि भाई कोई छुआछूत नहीं है चाहे तुम अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो सब बराबर है 27वां क्वेश्चन कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ध्यान से पढ़िएगा समय शुरुआत हो चुका है तो कौन सा नहीं है तो चुनाव में मतदान करना इज नॉट अ मौलिक कर्तव्य यह आपका कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि आप चुनाव में मतदान करोगे यह आपका कौन सा है ऑप्शन नंबर ए ये मौलिक अधिकार नहीं है नेक्स्ट पे आ जाओ भाई छो मंडल की मोटाइयां बढ़ जाती हैं कब बढ़ती हैं गर्मी सर्दी बसंत या फिर कभी नहीं बिल्कुल तो याद रखिएगा छो की जो मोटाई होती है वो गर्मियों में बढ़ जाती है और अभी जो ठंडियों में है वो सुकड़ जाती है तो अभी ठंडी चल रहा है छो की मोटाई जो ल, अ, मोटी है वो परत वोश थो थोड़ी से सुकड़ जाएगी लोहे से लोहा बड़ा से बड़ा चीज ठंडियों में सुकड़ जाता है तो जब एकदम ठंडी आता है जब एकदम गर्मी आता है तो इसी वजह से काम रेलवे में ज्यादा होता है और आते हैं आज का उनतीसवां क्वेश्चन किस द्वीप समी को सीप द्वीप समी भी कहा जाता है तीस सेकंड के बाद सॉरी पांच सेकंड का समय किसको कहा जाता है फरो द्वीप को क्या कहा जाता है फरो द्वीप को इसको कहा जाता है दीप समूह सीप द्वीप क्या कहा जाता है सीप द्वीप भी कहा जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड सौरभ वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां पर खेला जाएगा 2023 की बात कर रहा अगले 2023 जो आने वाला है यह ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप की बात है याद देखिएगा यह भारत में खेला जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा बहुत जबरदस्त तो हमने तीस क्वेश्चन अभी तक करें अभी बीस क्वेश्चन और बचे हैं क्या हर बच्चे को मजा आ रहा है ऐसे करने में क्या एक अलग फीलिंग आ रही है क्या सभी ने अपने कॉपी में एक से लेकर पचास तक की नंबरिंग अभी बनाई है कि नहीं बनाई है तो याद रखिएगा जब कल शाम को सात बजे मैं आऊंगा तो ऑलरेडी आप सभी के कॉपी में एक से लेकर पचास तक की नंबरिंग होनी चाहिए और उस नंबरिंग में से आपने कितने सही करें कितने गलत करें वो आपको जरूर पता होना चाहिए ठीक है तो एक से लेकर पचास तक की नंबरिंग आपकी खुद की होनी चाहिए कि आपने कितना करा कितना गलत किया वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए और जिसने अभी लाइक नहीं किया है वो सब के सब लाइक कर दीजिए भाई और आपको डेली शाम को सात बजे में इसी तरीके से बहुत मुश्किल से बीस से पच्चीस मिनट में पचास क्वेश्चन करा दूंगा और फिर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी एक आध दो घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ लेके अपने आप को एनालिसिस करना कि कहाँ सही हुआ कहाँ गलत हुआ क्या दिक्कत आई क्या दिक्कत नहीं आई और भी कई सारी दुनिया भर की बातें क्लियर है गाइज जिनका मैथ वीक है मैथ के लिए बहुत सारी वीडियोज चल रही हैं तो चलो मैं साइड में चलता हूँ और आपको और बीस क्वेश्चन तेजी से कराता हूँ ठीक है भाई लाइक करिए और सभी के सभी हंड्रेड प्लस लाइक पहुंचाइए किसी भी तरीके से किसी भी अवस्था में तेजी से लाइक करिए क्योंकि इतनी मेहनत से ये पी बनाई जाती है जो आपको इतने एनिमेशन ऐसी एनिमेशन देख रहे हैं उसमें उतना ही टाइम लगता है जितना कि कंटेंट को प्रिपेयर करने में तो आप इसका प्लीज जो है ज़्यादा ज्यादा उसका यूज करिए और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए नेक्स्ट पे आ जाते भाई क्या कहता है प्रोटोप्लाज में इसका यूज सबसे पहले किसने किया था इस वर्ड का लेमार्क हेनरी हक्सले या फिर पुरकाइंड प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा सबसे पहले यूज किसने किया था याद देखिएगा पुरकाइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे जाओ भाई संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे इन सभी ऑप्शन में से समय शुरुआत बहुत बढ़िया संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा अध्यक्ष के बारे में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको भी बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है नेक्स्ट पे आ जाओ लाभ के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लाभ के प्रावैगिक जो सिद्धांत इसका प्रस्ताव किसने दिया था जेबी क्लार्क सुमपीटर मार्सल या फिर कोई नहीं लाभ के प्रावागिक सिद्धांत यानी कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो ज्यादा आसान है तो जो बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा जेबी क्लार्क यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा वेरी गुड भाई कोमल बहुत अच्छा बेटा नेक्स्ट पे आ जाइए मिर्च का तीखाफन बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिर्च का तीखाफन समय शुरू हो चुका है बहुत अच्छा भाई तो मिर्च का जो तीखापन होता है आप सभी को पता होना चाहिए वो कैप्सिसिन की वजह से होता है ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस पदार्थ की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई कहता अगर वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग और उसकी आय दोनों एक समान दिशा में बढ़े मतलब कि जितनी इनकम उतनी मांग बढ़े तो उपभोक्ता की मांग और उस वस्तु के कीमत के प्रतिरोध रूप से संबंध होना चाहिए इसे हम कौन सा नियम बोलते हैं बहुत बढ़िया इसे हम कौन सा नियम बोलते हैं जिसे हम मांग का नियम बोलते हैं कि जितना ज्यादा उपभोक्ता की इनकम उतना ज्यादा उपभोक्ता की मांग और यही कहलाता ऑप्शन नंबर ए यानी मांग का नियम जो बच्चे सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा पैंतीसवा करके बताइए वेरी गुड बैक्टीरिया कौन खोजा था बहुत आसान सा क्वेश्चन किसने खोजा था भाई फैक्टोरिया तो याद देखेगा बैक्टीरिया खोजना थे एंटानियो लू हॉक लुवेन हॉक यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट पे आ जाइए कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है इन सभी ऑप्शन में से तो कौन से वाले पौधे में जड़ ग्रंथियां होती हैं तो याद रखिएगा जो आपका पौराणिक पौधे होते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए उसमें क्या होती है जड़ ग्रंथियां होती थी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा B9 का केमिकल नेम इजिए क्वेश्चन ऑफ द डे बिटवीन बी नाइन का केमिकल नेम कहा है भाई बिटवीन बी नाइन का केमिकल ने फॉलिक एसिड यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आ जाइए भाई अर्थशास्त्र नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑल्सो तो अर्थशास्त्र का नोबल मिला था आप सभी को पता है एक ही व्यक्ति हर चीज में आते हैं अमर्थ सेन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन्हें भारतीय के रूप में अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 40वां क्वेश्चन आप सभी के सामने अगर चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री के द्वारा आमतौर पर किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है अगर चुनावी वर्ष चल रहे होते हैं तो चलो भाई तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतरिम बजट ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही बिल्कुल गलत सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं इकतालीसवां क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आसान सा क्वेश्चन और समय शुरुआत हो चुका भाई यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है पेपर का लिए पेट क्वेश्चन है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र गुप्त राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेक्स्ट पे आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यालीसवां क्वेश्चन आप सभी के सामने कौन सी नदी है जो हिमालय में अंगसली ग्लेशियर से निकलती है गंगा यमुना नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र हिमालय में अंगसली ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते भाई देखते क्या कहता है अनुच्छेद तीन सौ तिरालीस किससे संबंधित है चार ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे चुके हैं और समय शुरुआत हो चुका भाई सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ पे अनुच्छेद तीन के बारे में पूछा गया है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का यूज यही अनुच्छेद तीन कहता था वी आर नियर अबाउट टू हंड्रेड लाइक्स तो प्लीज डू लाइक सबके सब बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिए और यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है जो बेहतरीन चीज़ मिल रही है अगर हम ऐसे करेंगे तो किसी दिन सौ किसी दिन पचास किसी दिन पूरे के पूरे पांच क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रह जाएंगे और तो बहुत तगड़े तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे और जब तक आपका पेपर आएगा तब तक तीन चार क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके होंगे फिर सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा लेकिन आपको रिविजन भी करना पड़ेगा और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ना भी पड़ेगा हड़प्पा संस्कृत में मुहर और टेरा कोटा इन कलाओं पर कौन सा जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था मतलब कौन से जानवर जानव नहीं मिलते थे जाओ भाई बहुत बढ़िया हड़प्पा समाज की बात कर रहा है हड़प्पा संस्कृत की बात कर रहा है तो कौन से जानवर नहीं मिलते थे तो गाय नहीं मिलती थी उस समय ऑप्शन नंबर ए गाय का कोई भी कौन सा नहीं मिलता था मैंने ये पूछा है तो गाय बिल्कुल सही आंसर होगी बिल्कुल सही बेटा खुशबू रू भी बहुत अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है समय शुरुआत ऑलरेडी आप सभी का हो चुका है बहुत बढ़िया यार तो कौन बनाता है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है कि आराम से वो रिव्यू कर सकते हैं मान लो किसी चीज का कोई मामला गड़बड़ हो गया तो आराम से वो रिव्यू कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं आज का फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हाइड्रोमीटर का विस्तार किसने किया था हाइड्रो नहीं हाइड्रो की बात कर रहे हैं आर्द्रता वाले की बात कर रहे हैं समय शुरुआत हो चुका आप सभी के सामने हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो याद रखिएगा विलियम निकोलसन यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विलियम निकोलसन ने हाइड्रोमीटर का यूज किया था नेक्स्ट पे आते हैं इसका विस्कार किया था अगला क्वेश्चन समय शुरुआत हो चुका है रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो किस भगवान को समर्पित है तो भगवान शंकर को समर्पित है यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्लियर गाइज नेक्स्ट पे आ जाओ भाई एक पुरस्कार है, जो कौन सा है फीफी पुरस्कार है यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है फीफी पुरस्कार एक बहुत बेहतरीन सा पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भाई आप सभी को पता है जो फीफी पुरस्कार है वो इत्र के क्षेत्र में दिया जाता है यानी ऑप्शन आप नंबर आपका सी यहां पे बिल्कुल सही होगा उन क्वेश्चन आज का भाई लोग मेरे बहुत जबरदस्त राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है जरा जल्दी से बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा नागपुर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो भैया आज का आखिरी और पचासवां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आ जाता है जल्दी से पढ़ो जबरदस्त तरीके से आंसर बता दो कि हड्डियाँ और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाँच सेकेंड के लिए चलो सबको पता होना चाहिए अगर हड्डियां और दांतों का निर्माण है तो इंपॉर्टेंट है आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हम देखो चैप्टर वाइज भी करेंगे जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज करो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऐसे करिए हम ऐसे भी करेंगे चैप्टर वाइज भी करेंगे आपको डेली शाम को सात बजे आना है ताकि आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिल पाए और एक कॉपी में मैं आपको बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन है आप उतना नंबर जल्दी से कर लेना फिर स्टार्ट कर देंगे सेशन एक बार मुझे सारे बच्चे जल्दी से बता दीजिए कि किस बच्चे के कितने सही हो रहे हैं इस पूरे के पूरे पचास क्वेश्चन में से कमान एवरी वन में सरा सभी के नाम पढ़ लू कितने आप सही कर पा रहे हो सैंतीस सही हुआ सबसे पहले गुरु ने कहा गुरु बहुत अच्छा है स्कोर है बहुत अच्छा है स्कोर है बेटा पूनम का चालीस सही हुआ वेरी गुड है पूनम मौसम का कह रही है कि भाई सर जी टोटल अट्ठाईस सही हुआ बहुत अच्छा लक्ष्मी का तीस सही हुआ है नीरलाज का पच्चीस मोहन भाई बहुत बढ़िया नताशा अरुण लक्ष्मी ए एस के बहुत अच्छा भाई चंदन बहुत बढ़िया रीजनिंग की वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी मिल जाएंगे हमने सिर्फ टारगेट पैंतीस का रखा हुआ और इसी हिसाब से आपके पास क्वेश्चन सही है बहुत अच्छा बहुत अच्छा डेली आपके तीस पैंतीस सही हो रहा है चलो ठीक है सेशन अच्छा लगा कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने को डेली एक नाइट टेस्ट की तरीके से इसको लीजिएगा कभी सौ करेंगे कभी पचास कभी, कर, कभी 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 डेढ़ सौ और कभी कभी कोशिश करेंगे दो सौ तीन सौ आपको लगातार करा दे और आप इसको करते रह जाओ और आप इसके बाद जब इसकी पी मिले तो पीडीएफ कंप्लीट तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर लेना मजा आया कि नहीं आया भाई जल्दी से बताओ पूनम कह रही सर बिल्कुल मजा आ गया जबरदस्त तरीके से मजा आ गया आ गया भाई मजा सबको आ गया कंप्लीट सबको ही समझ में आ गया और जब मैथ आ गया ना तो मैथ का भी इसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे कि मैथ के भी जबरदस्त तरीके से टेस्ट आप सभी के लिए स्टार्ट कर देंगे पक्का है चालीस सही है तीस सही है बहुत अच्छा तो भाई सात बजे का समय हो चुका है खत्म और जो बच्चे अभी लेट आ रहे हैं वो सबके सब हो लेट और वीडियो देख लेना बाद में लाइक कर देना अभी सबके सब तब तक के लिए चलते हैं बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर गाइज थैंक यू सो मच